हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर टू यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें. 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो हम अपना सेशन है वो शुरू करते हैं. तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो. गुड इवनिंग कृष्णा. और कोई भी डाउट होता तो सबसे पहले आप मुझसे ही बताएं, पहले मुझसे सोल्व करें, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपका इश्यू यहाँ पे क्लास में सोल्व नहीं होता है तो आप आगे बात कर सकते हैं बेटे. तो 2 मिनट वेट कर लेते ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं. आज जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, यानी के भारत का विशाल मैदान. इसके बारे में पढ़ेंगे और 2-3 मिनट बाद क्लास शुरू करने वाली हूँ मैं. तब तक के लिए पहले हम देख लेते, चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है. भारत का विशाल मैदान, इस मैदान को पढ़ेंगे. कौन सा है भारत, इस पूरे को क्या बोला जाता है? ये पूरा है आपका इंडिया, ठीक है? इंडिया का भी हम, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे. इसको बोला जाता है नॉर्थ, इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन, हिंदी में बोला जाता है भारत का विशाल मैदान, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे. इसके पार्ट भी हैं, इसको डिवाइड कर रखा है, किस बेस पे डिवाइड कर रखा है ये भी आगे चल के देखेंगे. पहले पढ़ लेते हैं भारत का विशाल मैदान होता क्या है. दूसरा, आपको इस मैप में एक चीज बहुत क्लियर दिख रही होगी कि ये जो आपका विशाल मैदान है भारत का, ये किसके बीच में है. देखो, अगर आप इसके उत्तर में देखोगे, उत्तर यानी के नॉर्थ, और आप इस प्लेन के साउथ में देखोगे, साउथ यानी दक्षिण, ठीक है? तो नॉर्दर्न प्लेन के उत्तर में है हिमालय पर्वत और ये भारत का जो विशाल मैदान है इसके दक्षिण में है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि नॉर्थ में हिमालयन रेंज है, साउथ में क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है. तो हिमालयन रेंज को, हिमालय पर्वत को पेनिनसुलर प्लेटू यानी के प्रायद्वीपीय पठार से कौन अलग करता है? इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन का काम करता है, ट्रांजिशन का मतलब है संक्रमण, जो संक्रमण का काम करता है वो है आपका ये नर्दन प्ले, ठीक है? आप पहले पढ़ते हैं भारत का विशाल मैदान. शिवालिक के दक्षिण में हिमालय फ्रंट फोल्ट द्वारा अलग किया गया है. अब देखो, ये लाइन आपको तब समझ में आएगी तब आपने इससे पहले वाली जो क्लास मैंने करवाई है आपको वो देखी होगी. उसमें मैंने आपको शिवालिक क्या होता है ये भी बताया था, हिमालयन फ्रंट फोल्ट क्या होता है ये भी बताया था. देखो, आपका ये जो इंडिया है, ये जो हिमालय, हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखला है. सबसे पहली आपका ये है आपका
सबसे पहला आपका है ग्रेटर हिमालय, यानी कि आपका महान हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका है लघु हिमालय। तो सबसे नीचे जो ये रेंज है ना, ये है आपकी लघु हिमालय की। तो इस लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक को नॉर्दर्न प्लेन से कौन अलग करता है? HFF, हिमालयन फ्रंट फोल्ट। ये एक फोल्ट है जो किसको अलग करता है? आपके हिमालयन रेंज को नॉर्दर्न प्लेन से अलग करता है। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? हम प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेन का रीजनल डिवीजन भी हम पढ़ने वाले हैं। पंजाब प्लेन की बात करेंगे हम, इसमें मध्य गंगा का मैदान यानी कि मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, हाई गंगा प्लेन, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ नर्दन प्लेन क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है क्लास में बने रहने की। आपको ये लाइव क्लास दिया ही इसलिए गया है कि आप साथ साथ अपना फीडबैक देते रहे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो भी आप अपने डाउट पूछोगे। बेटे ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आ रहे हो और आप डाउट ही नहीं पूछ रहे हो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो आपके पेपर में डाउट वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपने अपने डाउट पूछने हैं। तो शुरू करें, जल्दी से थम्स अप का जो है साइन मेरे को भेज दो ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी करो। तो आपको ये बताया गया कि जो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि भारत का जो विशाल मैदान है, इसको शिवालिक से कौन अलग करता है? आपका हिमालयन फ्रंट फोल्ट अलग करता है, HFF। यह उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक संक्रमणीय कालीन क्षेत्र है। ये लाइन का भी मतलब समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको अभी अभी समझाई है कि नॉर्थ में, उत्तर में आपका ये हिमालय है, इसको बोला जाता है उत्तर और इसको बोला जाता है दक्षिण। अब ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन का उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो इस उत्तर और दक्षिण के बीच में नॉर्दर्न प्लेन क्या है? एक संक्रमणशील जो है एरिया है। ठीक है, ये है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक उग्र मैदान है। ये आपने याद रखना है कि ये जो आपका पूरा ये जो ग्रीन पार्ट से दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये आपका प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। और ये किसने बताया? आप बनाया है आपकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इन नदियों और इन नदियों की सहायक नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आती है, गाद बहा कर लेके आती है, रोरे बजरी जो भी बहा कर लेके आती है, वो उन सभी को इस मैदान में इकट्ठा कर दिया है। और इसी की वजह से आज हमें ये मैदान देखने को मिला है जिसका नाम है उत्तरी भारत का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन जिसको बोला जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये होता है पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक इसकी चौड़ाई है 2400। ठीक है, और इसकी चौड़ाई अलग अलग है। असम में इसकी चौड़ाई 90 से 100 है। देखो ये है आपका असम, असम में जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है? कम है, 90 से 100 किलोमीटर है आपका। उसके बाद क्या है? राजमहल, यानी कि जो आप राजमहल पहाड़ी आपकी झारखंड में, वहां पे इसकी 160 किलोमीटर है। बिहार में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है और इलाहाबाद में ये 280 किलोमीटर है और पंजाब में ये 500 किलोमीटर है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए जो ये आपके ग्रेट प्लेन है इंडिया के, उत्तरी भारत का ये जो विशाल मैदान है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो इसकी चौड़ाई आपके पंजाब में ज्यादा है, पंजाब के बाद ये यूपी में। जैसे जैसे पंजाब से हम
जैसे जैसे हम पंजाब से इधर असम की तरफ चलते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये समझ में आ गया आप सभी को? बेटे आप रिप्लाई तो दे नहीं रहे, फीडबैक नहीं दे रहे हो, और आप जब तक मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जल्द, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे को कम से कम एक बार बताओ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। जब तक आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं चलूंगी। क्लास में कौन कौन है और मेरे को देखने दो। अच्छा सविता, रुचि, कृष्णा। बेटे आप लोगों को मेरे को बताना है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप नहीं बताओगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी। आप क्लास में ऐसे बुत बन के क्यों बैठ जाते हो? आपको समझ नहीं आ रहा था, आप मेरे से शेयर करो ना कि मैम समझ नहीं आ रहा। सविता ये तो मैंने उस दिन लास्ट डे भी जब आपकी 8 को क्लास हुई थी ना, ये तो मैंने बताया था। अभी मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो ये नर्दन प्लेन, यानी कि ये नर्दन प्लेन जिसको बोला जाता है हिंदी में उत्तरी भारत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन, ये विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे। ये जो विशाल मैदान है इसके नॉर्थ में क्या है, आपके हिमालय, ठीक है, और इसके साउथ यानी कि इसके दक्षिण में क्या है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में ये एक ट्रांजिशन लेयर का काम करता है। गुड इवनिंग रुचि, ठीक है, एक ट्रांजिशन का काम करता है। दूसरा मैंने ये बताया कि हिमालय की आपकी तीन क्या है, हिमालय की आपकी तीन लेयर है। सबसे पहले आपकी ग्रेटर हिमालय, फिर आपका मिडल हिमालय, फिर आपका है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे नीचे आते हैं, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपके क्या है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को और नर्दन प्लेन को क्या अलग करता है, HFF, हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आपको ना जनरल ये बता रही हूँ कि नर्दन प्लेन की चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है। देखो जैसे जैसे ये होता है आपका वेस्ट यानी कि आपका पश्चिम, और ये होता है आपका उत्तर, ये आपका होता है पूर्व, ठीक है। जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हो तो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और अगर आप पूर्व से पश्चिम जाओगे तो इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है इन प्लेन की वो पंजाब में है, पंजाब से कम कहाँ पर है आपका यूपी में, यूपी से कम बिहार में, बिहार से कम झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, और फिर आपका असम में। सबसे नैरो कहाँ पर है ये मैदान आपका, असम में। ये अभी तक मैंने समझाया है यहां तक। कृष्णा आप बेटे मेरे को बता नहीं रहे हो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे पास आई है कि आपको थोड़ा सा है ना इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रही थी, तो अब मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? नहीं रुचि, कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी। अब देखो
अब ये देखो, ये आपके जो मैदान है, मैदान आपके सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपका ये मैदानी भाग है ना, ये किसकी वजह से बना है? ये आपकी जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आती हैं, जो अपने साथ गाद लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, उसके जमने की वजह से, उसके लगातार इकट्ठा होने की वजह से ये आपके क्या बने हैं? जलोढ़ मैदान बने। और जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियां अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं और बाढ़ के समय उन्हें बिछा देती है, तो उसको बोला जाता है आपका एल्यूवियल सोयल। और ये जितना भी आपका ये इंडिया में ये प्लेन एरिया है, ये पूरा क्या है? नदियों के द्वारा ही बिछाया गया है, ठीक है? जो यहाँ से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बिछाई गई है। जलोढ़ की जो सटीक गहराई है अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं की गई है, मतलब कि जो आपका ये जलोढ़ मिट्टी है ना, इसकी कितनी गहराई है, कितनी गहराई तक ये जमी हुई है, इसका अभी तक कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं हुआ है कि इसकी गहराई कितनी ज्यादा है। हाल के अनुमानों के अनुसार जो मैदान है, मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की औसत गहराई, जलोढ़ की गहराई क्या है? 1300 से 1400 मीटर के बीच में है, जबकि शिवालिक की ओर जलोढ़ की गहराई बढ़ती है और 8000 मीटर से अधिक की अधिकतम गहराई अंबाला यमुना नगर के पास पहुंच गई है। तो ये आपको, अब मैं एक बार हिंदी में बता दें, इंग्लिश में और बता देती हूँ। ये आपको बता दिया कि ये एल्यूवियल डिपोजिट से बने हुए हैं, इसकी जो एग्जैक्ट डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। और रीसेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो एवरेज डेप्थ है एल्यूवियम की, जो सदर्न साइड है प्लेन का, यानी कि बुंदेलखंड के उत्तर में, वहां पे आप सबको मैंने बताया था बुंदेलखंड का है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड के नॉर्थ में यहाँ पर इसकी जो गहराई है वो क्या है? 1300 से 1400 मीटर है। वही जैसे हम शिवालिक की तरफ चलते हैं तो ये जो गहराई है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जो मैक्सिमम गहराई है वो 8000 मीटर कहाँ पे है? अंबाला, हरियाणा में अंबाला के पास, यमुनानगर और जगाधरी, यहाँ पे इसकी गहराई कितनी है? 8000 मीटर। अब देखो, ये देखो, अब आपको ये भाबर, तराई, बांगर, खादर क्या है, इसका सीरियल ऑर्डर ऐसे ही याद रखना है। देखो, सबसे पहले है आपका हिमालय, हिमालय की ये पहली आपकी श्रेणी है, ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जहां पर खत्म होते हैं ना, वहीं से शुरू हो जाते हैं आपके भाबर। अब भाबर कैसा एरिया है ये समझ लो, भाबर वो एरिया है जहां पर आपके मोटे मोटे पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े। क्यों, क्या होता है? देखो एक बात समझो, जैसे ही नदियां यहां से आई, नदियां यहां से आती है तो अपने साथ पत्थर भी लेके आती है, और जैसे ही पहाड़ी इलाका खत्म होता है और आपका प्लेन एरिया शुरू होता है, तो वो सारे पत्थर एकदम से इस पहाड़ी और प्लेन के, जो जहां पे पहाड़ी और प्लेन एरिया मिलता है ना, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि यहाँ पे नदियों का पानी दिखता नहीं है, और नदी का पानी इन पत्थर के नीचे बहने लगता है। इस रीजन को बोला जाता है भाबर रीजन। भाबर के बाद आता है तराई। तराई कैसा रीजन है? यहाँ पे आपका महीन छोटी छोटी मिट्टी के कण और पानी, मिट्टी और पानी दोनों मिलता है, ठीक है? उसके बाद जो आपका आता है वो आता है बांगर। बांगर कैसा एरिया है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है यहाँ पे। और खादर कैसा है? नई जलोढ़ मिट्टी का मैदान है ये, ठीक है? ये देख लो, ये आपको जो भाबर और तराई रीजन है वो बताया गया है। भाबर रीजन, ये आपका भाबर रीजन है, ये जो आपको ग्रे कलर से दिख रहा है ये भाबर रीजन है। भाबर के बाद आपका बेटे कौन सा है? तराई रीजन है। तराई के बाद आपका बांगर रीजन है। बांगर के बाद आपका खादर रीजन है। ये चार पार्ट हैं आपके प्लेन एरिया के, ठीक है? जो आपके ग्रेट प्लेन है ना, ये उल्लेख अगर देखा जाए तो
कुछ किलोमीटर तक क्या मिलती है, इनमें वेरिएशन मिलती है। जो ग्रेट प्लेन है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब सेम भी है लेकिन कहीं कहीं पे इसमें क्या मिलती है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है विभिन्नता, यही हिंदी में बोला गया है कि जो ग्रेट प्लेन है वो उल्लेखनीय रूप से सजातीय, सजातीय मतलब सेम है, यूनिफॉर्म है, लेकिन कुछ किलोमीटर तक इनमें क्या मिलती है, भिन्नता भी मिलती है, वेरिएशन भी मिलती है। उसके बाद क्या है, द मोनोटोनी ऑफ द फिजिकल लैंडस्केप इज ब्रोकन एट माइक्रो लेवल। अच्छा अब ये बोलते हैं मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब है कि जो इनका ये यूनिफॉर्म सेम नेचर है ना, ये सेम नेचर मतलब कि हर जगह प्लेन एरिया है, ये कहाँ पे टूट जाता है, जहां पे नदी होती है, भूड़ होती है, इनकी वजह से ये टूट जाता है। तटबंध, नदी नालों की मृत भुजाएं, खड और खोल, इनके कारण ये जो परिदृश्य है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में समझ लो जो मोनोटोनी है, मोनोटोनी मतलब एकता जो है ना इस लैंडस्केप की, हर जगह प्लेन है, तो ये कहाँ पे ब्रोकन होती है इसकी एकता, जहाँ पे रिवर भूड़ होते हैं, रिवर नदी तटबंध होते हैं, रिवर चैनल होते हैं, बीहड़ मैदान होते हैं, खोल होते हैं। और जैसे जैसे नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, फ्रीक्वेंट मतलब कि लगातार फ्लड आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका एक अलग जो है भौगोलिक या जो प्लेन है वो बनता है। लगातार फ्लड आने से बहुत ज्यादा डैमेज होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, और एक चीज और होती है कि जब आपकी फ्लड आती है ना, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के नदी के बाढ़ का जो पानी होता है, उस पानी के साथ मिट्टी भी आती है और वहां पे वो मिट्टी बिछ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सोयल हर साल क्या है, फर्टाइल होती रहती है, नहीं होती रहती है। ये कहते हैं कि नदियों में, इन क्षेत्रों में नदियों का मार्ग बदलना, मैदानी इलाकों में बार बार बाढ़ आना एक अनोखी भूआकृतिक प्रक्रिया है। बार बार आने वाली बाढ़, हालांकि इसका एक कारण है कि जान माल की भारी क्षति हुई है, बाढ़ के मैदानों में गाद की नई परत बिछ गई है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपका जब बार बार बाढ़ आती है तो उसकी वजह से जान माल तो जाती है, डैमेज तो होता है, प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से जहां पर भी बाढ़ आती है ना, उस पूरे एरिया में एक नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, और वो जो नई मिट्टी होती है ना, उसमें जो भी हमारी पुरानी सोयल में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी ना, वो इसमें नहीं होती है, वो ये रिच होती है, फर्टाइल सोयल होती है। ठीक है, अब आपका ये मैंने समझा दिया, हिमालय, भाबर, तराई, बांगर, खादर। आपको भाबर, तराई, बांगर, खादर इसमें कोई डाउट है, ये मैंने आपको समझा दिया कि भाबर क्या होती है, तराई क्या होती है, बांगर क्या है, खादर क्या है। अब इसको पढ़ेंगे, सबसे पहला है आपका द भाबर प्लेन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, पहले स्थान इसका पश्चिम से पूर्व यानी कि जम्मू डिवीजन से असम तक शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई असम के पूर्वी मैदानी इलाकों की तुलना में पश्चिमी मैदानी इलाकों में अधिक है। बेटे अब ये बात है ना, यहां से याद रखना, ये आपका इंडिया है, इंडिया में ये आपका प्लेन एरिया है। ठीक है, प्लेन एरिया, अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हो तो आपकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, थैंक यू बेटे, बस मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप लोगों को समझ में आए, उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए है, बस आपका पेपर अच्छे से हो जाए। अच्छा आप मेरी बात सुनो, जो भाबर प्लेन है ना, अब आप एक ही चीज से सारी बातों का क्या है, चौड़ाई हर चीज की एक ही चीज से याद रखोगे, ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया में ये आपका प्लेन एरिया है ना, इंडिया में ये प्लेन एरिया है, ये आपका उत्तरी भारत का मैदान है। अब हमें पता है, एक एवरेज बात पता है कि उत्तरी भारत के मैदान की चौड़ाई कैसे है, जब हम ये पूरब है और ये पश्चिम है, जब पूरब से पश्चिम चलते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब पश्चिम से पूरब जाते हैं इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले कौन सा रीजन आता है, भाबर रीजन। तो जो भाबर रीजन है ना, इसकी चौड़ाई आपकी पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। ऐसे ही तराई रीजन है, तराई रीजन की भी पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा और पूर्व में चौड़ाई कम, सिर्फ ये पढ़ना है। देखो इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 15 किलोमीटर है,
ये बता दिया आपको। उसके बाद है संरचना। संरचना मतलब कि ये किस चीज से बना है, किस किस चीज से मिलकर बना है। बजरी और निर्विवाद हिमालय क्षेत्र और शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा की गई तलछट उच्च सरंध्रता के कारण इस क्षेत्र में छोटी धाराएं गायब हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जैसे ही आपका ये पहाड़ी एरिया से नदी जैसे ही मैदानी एरिया में आते, तो ये नदी जो अपने साथ इतने बड़े बड़े पत्थर लाते हैं ना, उन पत्थरों को इस जहाँ पे आपका पहाड़ी एरिया खत्म होता है और मैदानी एरिया शुरू होता है, तो एकदम से ये पत्थर यहाँ जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे नदी का पानी में ना इतनी एबिलिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि ये इन पत्थरों को आगे ले जाए। और यहाँ पे नदी क्या होती है, नदी का पानी यहाँ पे गायब हो जाता है। ठीक है, नदी इन पत्थरों के नीचे बहने लगती है और इस रीजन को बोला जाता है भाभा रीजन। और पेपर में है ना, ये आपके लिए कीवर्ड है, आप इस चीज को ही पहचान के लिखोगे, टिक करोगे। अगर आपको क्या दे दिया जाएगा, भाबर दे दिया जाएगा, और भाबर के बारे में आपको चार विशेषताएं लिख के दे दी जाएंगी कि इनमें से कौन सी भाबर के बारे में ठीक है या कौन सी ठीक नहीं है। ठीक है, और इस पथ में केवल बड़ी नदियां सतह पर बहती है, फसल की खेती के लिए अनुपयुक्त है। यानी कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पे, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया क्या है, अनुपयुक्त है। यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती इस एरिया में। अच्छा, ये एरिया अगर मैं रियल लाइफ में बताऊं कि कहाँ पर है, जैसे आपका देहरादून का कुछ पार्ट है, आपका हरिद्वार का कुछ पार्ट है। आपका हरिद्वार वो एरिया है जहाँ पे नदियां एकदम से प्लेन एरिया में क्या करती है, एंटर करती है, पहाड़ी एरिया को छोड़ के प्लेन एरिया में आती है। ठीक है, तो ये है आपका भाबर। भाबर के बारे में याद रखना है, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। दूसरा, भाबर में जो छोटी धाराएं होती हैं वो गायब हो जाती है, सिर्फ बड़ी जो नदियां हैं वही दिख पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और तीसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि यहाँ ये जो एरिया है इसमें एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, आपका खेती नहीं की जा सकती, कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, सिर्फ बड़े पेड़ मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो इसकी लोकेशन, जो आपका यहाँ पे देखो ये हिमालय का सबसे नीचे वाली लेयर है शिवालिक, शिवालिक के एकदम दक्षिण में कौन सा शुरू हो जाता है आपका, भाबर। भाबर के बाद आपका तराई, तराई के बाद आपका खादर, और खादर के बाद बेटे आपका बांगर। ठीक है, तो ये आपको बता रहा कि इसकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर है, 8 इसकी असम में है, तो 15 इसकी कहाँ पर है, पंजाब में है। सेडिमेंट जो नदी अपने साथ बजरी पत्थर लेके आते हैं उसकी वजह से, कंपोजिशन मतलब किससे मिलकर बना है, उससे मिलकर बनी है। और पोरोसिटी इसकी ज्यादा, पोरोसिटी मतलब रंध्रता, मतलब कि पानी रिस रिस कर नीचे चला जाना, ये इसकी ज्यादा है, तो पानी नीचे चला जाता है पत्थरों के, इससे जो छोटी नदियां है वो इसमें क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, सिर्फ बड़ी बड़ी नदियां इसमें दिख पाती है। और अनसुटेबल है क्रॉप कल्टिवेशन के लिए, सिर्फ जो बड़े ट्री है जिनकी रूट बड़ी बड़ी है वो इस एरिया में दिखते हैं। और यहाँ पे मोस्टली आपके जो गुज्जर है, मतलब कि जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, वो वाला एरिया ये आपका भाबर प्लेन। ठीक है, अब आपका तराई रीजन आता है। अब इस तराई रीजन का स्थान, नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स बनाओगे उसमें सबसे पहले आपका स्थान, हिंदी में तो हिंदी में लिखोगे स्थान, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखोगे लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, आपके भाबर है, भाबर के दक्षिण में आपके क्या है, तराई रीजन। ठीक है, भाबर पथ के दक्षिण में स्थित है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। अब एक बात फिर से याद रखना, ये आपके प्लेन थे तो अब ये तराई रीजन है, पहले भाबर तो आ गया, अब आपका तराई भी क्या है, यहाँ पे 30 किलोमीटर चौड़ाई होगी, तो यहाँ पे असम में इसकी 15 किलोमीटर चौड़ाई होगी। ठीक है, यह उच्च वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में महान मैदानों के पूर्वी हिस्सों में चौड़ा है, यह अत्यधिक नमी घने जंगलों समृद्ध जंगली क्षेत्र है, कभी शिवालिक के दक्षिणी किनारे पर जंगल और जंगली घास का दलदली क्षेत्र रहा है।
तराई को कृषि के लिए लगभग पुनः प्राप्त कर लिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी डिवीजन, इन सारे हिस्सों में ये मिलता है। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, सबसे पहले लोकेशन मैंने बता दी, बाबर के दक्षिण में है, इतनी चौड़ाई है। जो आपका ग्रेट प्लेन है, अब देखो ये चीज तो मैंने आपको बेटे बता दी, एक एवरेज बता दिया कि यहां पर चौड़ाई, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व में चौड़ाई कम। अब अगर मैं सिर्फ असम में बात करूं ना, तो असम में भी क्या होगा, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा, पूर्व में चौड़ाई कम। ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो तराई रीजन है ना, तराई रीजन कैसा एरिया है, जहां पे पानी भी है, दलदली एरिया है। तो ये जो आपका असम वाले एरिया में है ना, ब्रह्मपुत्र जहां पे रीजन है, जहां पे आपका असम है, वहां पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है तराई की। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है और दूसरा नदी का पानी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट हैं और बहुत आपकी वाइल्ड, जो आपके जंगली जानवर है वो भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से, जो मच्छर काटने की वजह से आपकी बहुत डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। डायरिया नहीं, सॉरी, आपका मलेरिया, नो डायरिया, डायरिया तो आपका पानी की कमी की वजह से होता है, या आपका मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है, ये पूछा गया आपके पेपर में। ठीक है, कौन कौन सा आपका तराई कौन कौन से रीजन में मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब ये जो तराई है ना, जो तराई रीजन है, इसके जो फॉरेस्ट है ना, मतलब कि जहां पे ये तराई रीजन है, वहां पे जो पेड़ पौधे थे उसको काट दिया गया है। किस लिए काटा गया है? एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या उगाया जाता है यहाँ पे? शुगर केन, यानी कि आपके गन्ना, आपके गन्ने की कृषि, आपके चावल उगाए जाते हैं, गेहूं, मेज, आपकी दालें, फोडर क्रॉप्स, ये आपका तराई रीजन है। अब आपका है बांगर प्लेन। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने भाबर कर लिया, भाबर के बाद तराई हो गया, तराई के बाद आपका बांगर, बांगर है आपका ओल्ड एल्यूवियल सोयल प्लेन, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान। ये भारत के महान मैदानों के ऊपरी जलोढ़ पंथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊपरी जलोढ़ यानी कि देखो, ये आपकी नदियां, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है, नदी पहले क्या है, यहां तक क्या है आपकी, यहां तक मिट्टी को बिछा रही थी। ठीक है, अब क्या हो गया है, नदी ने अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दिया, अब नदी यहां बहने लगी है, तो नदी ने यहां पर मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दी यहाँ पे। तो ये जो पहले जमा किए हुए थे ना, इसको बोला जाता है ओल्ड एल्यूवियल सोइल प्लेन, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बांगर, जो पुराने जलोढ़ों द्वारा निर्मित है। बांगर जो संरचनाएं हैं वो मध्य प्लिस्टोसीन, जो काल है, उसके दौरान जमा हुई थी। ये बताया गया है कि आपके कब से ये जो आपकी मिट्टी जमा हो रही है ना, मतलब कि ये जो प्लेन एरिया, ये कब से बनना शुरू हुआ है, तो आपका जो मिड प्लिस्टोसीन आपका पीरियड है ना, उसके दौरान ये जमा हुई है, और यह नदियों की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित है। मतलब कि अब नदी की जो सीमा है, नदी की सीमा से ऊपर स्थित है। पहले नदी यहां तक बहती थी तो यहाँ पे जमा करती थी, अब नदी यहाँ पे नहीं बहती, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, इसलिए ये पुराने जलोढ़ मैदान है। इसकी जो मिट्टी है वो गहरे रंग की होती है, ह्यूमस आपका मिलता है। अच्छा, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस कैसे बनता है? देखो, जिस मिट्टी में पेड़ पौधे, जंगली, जो जंगली जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी, और ये जब ये सारी चीजें, उनके जो फॉसिल अवशिष्ट मिलते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ह्यूमस। और ह्यूमस जो है ना, आपकी जलोढ़ मिट्टी में मिलता है, ह्यूमस सामग्री से समृद्ध है ये, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट या कंकर,
के कण और पिंड होते हैं, मतलब कि इसमें छोटे छोटे ना मिट्टी के वो कण नहीं होते, मोटे मोटे कण वो मिलते हैं कंकड़ से, उसको बोला जाता है कंकर। और जो अपेक्षा करे तो शुष्क क्षेत्रों में बांगर खारे और क्षारीय पुष्पकर्म के छोटे पथ भी प्रदर्शित करता, जिन्हें रे या कलार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो आपका बांगर है ना, बांगर में आपके ना क्या हो जाती है, एक लेयर आ जाती है, मतलब कि नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से उसमें जब नमक ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, रे या कलर बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, रे कलर और थुर भी बोला जाता है। और जो बांगर है वो मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड है, प्रोडक्टिव लैंड मतलब बेटे ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो आपकी बांगर वाला जो एरिया, यहाँ ये बहुत अच्छी सोयल है और ये कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें आपके एलिफेंट के जो फॉसिल है जीवाश्म, यानी कि जब एलिफेंट मर गया था, मरने के बाद उसके जो हड्डियां अवशेष बच गए थे उसको बोला जाता है हॉर्स, इन सब के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। और इसमें कैल्केरियस डिपोजिट, कैल्केरियस मतलब कैल्शियम के जो डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिसको कंकर बोला जाता है। बांगर हो गया। अब आपका खादर प्लेन है, खादर प्लेन की ये याद रखना, न्यू एल्यूवियम ट्रैक्ट, या इन हिंदी में नए जलोढ़ पथ को खादर या बेट भूमि के रूप में जाना जाता है। हर साल बरसात के मौसम में गाद के ताजा जमाव के पथ समृद्ध हो जाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है बेटे, इसी को खादर बोला जाता है। और खादर भूमि में रेत, गाद, मिट्टी और आपका मिट्टी होती है, और इस क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया गया है। और आपका गन्ना है, चावल, गेहूं, मक्का, फलिया, चारा फसलों के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ये कृषि के लिए बहुत उपयोग है, कृषि के लिए बहुत यूजफुल है। और खादर जो निक्षेप है इसमें जीवाश्म भी है, यानी कि जीवित जो प्रजातियां जैसे मनुष्य है, हिरण है, बैल आदि, इनके जो अवशेष है ये भी मिलते हैं। ठीक है, और ये हर साल रिन्यू होते रहते हैं, हर साल ये जो खादर प्लेन है हर साल नए बनते रहते हैं, और इसलिए ये क्या है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है और आइडियल है, एक गुड कंडीशन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि खेती के लिए। ये आपका क्या है, चारों प्लेन मैंने समझा दिया आपको, खादर समझा, भाबा, तराई, बांगर, खादर, चारों आपके हो गए हैं। अब उसके बाद है आपका डेल्टा प्लेन, यानी कि डेल्टा मैदान। जब नदियां, अच्छा डेल्टा कब बनता है, देखो सबसे पहली डेल्टा की शेप ऐसी होती है ये, ठीक है, डेल्टा की शेप, डेल्टा के बारे में जो डेल्टा वर्ड है वो सबसे पहले आपके किसने खोजा था, क्या कोई बता सकता है डेल्टा वर्ड सबसे पहले किसने बताया था? किसी को पता है डेल्टा वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? डेल्टा वर्ड सबसे पहले आपके हेरोडोटस ने यूज किया था, और इन्होंने बोला था कि जो नील नदी है, नील नदी मिश्र की देन है। ये आपका एक चोट है फेमस, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपका पहाड़ी एरिया है, ये आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यानी कि आपका ओशियन पार्ट लगा लो एक तरीके से। तो नदियां जब यहाँ पे अपने फर्स्ट लेवल में होती है ना, मतलब पहाड़ों पर होती है, पहाड़ों पर उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है, पहाड़ों पर वो इरोजन भी ज्यादा करती है, लंबवत इरोजन ज्यादा करती है पहाड़ों पे। फिर जैसे जैसे वो पहाड़ों से जो मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह लेकर आई थी, फिर उन्हें प्लेन एरिया में लेकर आना शुरू करती है। प्लेन एरिया में क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, अब वो नदी की गहराई कम करती है, नदियों की चौड़ाई यानी कि अपने किनारों को फैलाने लगती है। अब जैसे जैसे ये आगे चलते और बिल्कुल अपनी एंड स्टेज में आते ना, तो ये अपने साथ जो मिट्टी है, गाद है, अपने साथ पत्थर जो भी लेके आई होती ना, अब नदी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसको अपने साथ लेके आगे चले। अब वो क्या करती है, जो नदी का पानी है
वो जो आपका मिट्टी या पत्थर है उसको क्या है छोड़ने लगती है और अपने बीच में उसको जमा करने लगती है। अब जहां पे ये गाद जमा हो जाता है ना, तो वहां से नदी का पानी तो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अब जो नदी है ना, नदी दो धाराओं में बट जाती है ऐसे, ठीक है, ये बट गया ऐसे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और जमा हो गया, फिर नदी का पानी ऐसे चला जाता है ऐसे इधर, तो आपका ये नदी लास्ट में क्या गिर जाती है, फिर आपका ओशियन में गिर जाती है। तो ये जो आपका बनता है इसको बोला जाता है आपका डेल्टा। कहीं कहीं से अपन नदियां जो अपना पानी है गिराने लगते हैं, इसको क्या बोला जाता है आपका डेल्टा। ये आपका डेल्टा बन गया। आया समझ में डेल्टा कैसे बनता है? जो आपका डेल्टा प्लेन है वो किसका एक्सटेंशन है, एक तरीके से खादर लैंड का ही एक्सटेंशन है। और ये 1.9 लाख स्क्वेयर किलोमीटर जो एरिया है लोअर गंगा प्लेन है उसको कवर करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गंगा नदी पहुंचती, गंगा नदी है, गंगा नदी ने ये आपका बना रखा है। और यह निक्षेपण का क्षेत्र है क्योंकि इस पथ में नदी धीमी गति से बहती है। ये आपको बता दिया कि ये आपका डिपोजिट किया जाता है, डिपोजिशन की वजह से बनता है। एक होते हैं आपके इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है, और एक आते होते हैं आपके डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण लैंडफॉर्म। तो निक्षेपण की वजह से ये बनते हैं। और जो डेल्टा मैदान में मुख्य रूप से पुरानी मिट्टी, नई मिट्टी और दलदल ये सारे शामिल है। और आपका जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन में ना, जैसे ये आपका डेल्टा है, डेल्टा में ना ऐसे थोड़े थोड़े ऊपर, ये जो ऊपर उठी हुई लैंड होती है, ऊपरी जो भूमि होती है उसको चार्स बोला जाता है, चार्स। और जो मार्शी एरिया होता है, मतलब कि जो दलदली भाग होता है उसको भील्स बोला जाता है। याद रखना डेल्टा में जो ये ऊपरी जो भूमि होती है उसको चार्स बोला जाता है, और जो दलदली भाग होता है उसको भील्स बोला जाता है। और जो गंगा है, गंगा का डेल्टा एक्टिव है यानी कि अभी भी बन रहा है गंगा, और अभी भी सक्रिय होने से मतलब कि गंगा नदी का डेल्टा बन रहा है। तो उसका जो गंगा नदी है वो एक्टिव है, लगातार बना रही है डेल्टा, जिसकी वजह से इसके डेल्टा का विस्तार हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। आया समझ में यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं समझ में आया तो बेटे पूछ लो। उसके बाद फिर हम इसका रीजनल डिविजन करेंगे, जो मेसो रीजन है ना नॉर्दर्न प्लेन के, यानी कि अब किसके नेम से डिवाइड कर रखा है आपका, जैसे राजस्थान में जो नदियां उसको बोला जाता है प्लेन ऑफ राजस्थान, पंजाब में जिन नदियों ने वो बनाया उसको बोला जाता है पंजाब हरियाणा प्लेन, फिर गंगा, जहां जहां पे गंगा नदी और उसकी सहायक नदी है और उनकी वजह से जो मैदान बना है उसको गंगा प्लेन बोला जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से जो प्लेन बना है उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन बोला जाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ। ओके, तो अब आगे चलते हैं। देखो ये है आपका ग्रेट प्लेन यानी कि जो आपका भारत है, भारत का ये मैदान है। देखो यहाँ पे आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज, और यहाँ पे आपका यमुना नदी है, तो उनके द्वारा जो ये प्लेन बनाया गया इसको बोला जाता है सतलुज यमुना प्लेन।
यहाँ पे आपकी राजस्थान में नदियां, जैसे आपकी लूनी नदी है, आपकी माही नदी है, तो उनकी वजह से ये जो प्लेन बनता है इसको बोला जाता है राजस्थान प्लेन। अब यहां से शुरू हो जाती है आपकी गंगा और उसकी सहायक नदी। ये आपकी गंगा नदी जा रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले जहां से ऊपरी एरिया से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट है, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी यूपी है, इस ये वाला आता है आपका अपर गंगा यानी कि ऊपरी गंगा के प्लेन। फिर आपका मिडल गंगा प्लेन में यूपी और आपका बिहार वाला पार्ट आता है। फिर लोअर गंगा प्लेन में आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आता है। और यहाँ पे आपकी कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। बस अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है द प्लेन ऑफ राजस्थान, यानी के राजस्थान के जो मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। देखो ये आपका राजस्थान है ना, राजस्थान में ये क्या है आपका, बीच में बिल्कुल अरावली। अब अरावली के पश्चिम में स्थित है, इसमें राजस्थान की मरुस्थली और जो राजस्थान का मरुस्थली और जो बागर है वो शामिल है। और राजस्थान के मैदानों का कुल क्षेत्रफल लगभग इतना है, और इस मैदान का जो ढलान है वो क्या है, उत्तर, ये देखो ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका ढलान, ढलान मतलब स्लोप, स्लोप कैसा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है ऐसे, ठीक है, ऐसे है इसका। लूनी नदी गुजरात की निचली पूंछ में, यह मैदान समुद्र तल से केवल 20 मीटर ऊपर है, और इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा समुद्र की मंदी के कारण बना है, जैसे कि खारे पानी की झीलों, सांबर झील है, डिंडवाना है, इन सब की उपस्थिति से पता चलता है। अब मेरी बात सुन लो, ये सिर्फ आपको क्या बता रखा है, राजस्थान के एरिया में बता रखा है कि जो है अरावली के पश्चिमी में स्थित है, ठीक है, और ये टोटल इतना एरिया कवर करती है। जनरल इसका स्लोप, स्लोप मतलब ये ढलान, ढलान कैसा है, इधर से इधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, और लूनी रिवर यहाँ पे बहती है, लूनी रिवर इसका जो है वो बनाती है। अच्छा अब एक बात याद रखो, जो आपका राजस्थान है ना, राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है आपका, अब ये बिलीव गया किया गया है और एविडेंस भी मिले हैं, इसके सबूत भी मिले हैं आपको, कि राजस्थान जो है ना वो पहले समुद्र के नीचे था। समुद्र के पानी के पीछे हटने की वजह से आज आपको ये राजस्थान प्लेन देखने को मिलता है, और इसके आपको एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे आपका सांभर लेक है, डिडवाना है, सांभर लेक का एरिया इतना है, ठीक है, और ये जयपुर सिटी से 65 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बोलते हैं राजस्थान के बारे में कि जो परमो कार्बोनिफेरस पीरियड था। अब ये पीरियड को लेके कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें आपको पता चल जाएगा परमो कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है। सिर्फ इतना याद रखो कि ये एक काल है, ठीक है, उस परमो कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो किसके अंडर था, समुद्र के नीचे था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी जो नदी है, कई नदियों के जो सूखे तल हैं, बेड है, वो मिलते हैं, जैसे आपका सरस्वती नदी है, दृष्टवती है, जो आपको क्या इंडिकेट करती है कि ये जो एरिया था ये एरिया पहले फर्टाइल था, ये एरिया पहले फर्टाइल था, अभी जो है अभी ये आपका इनफर्टाइल एरिया। देखो एक बात याद रखना राजस्थान के बारे में, राजस्थान की जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल नहीं है, बस वहां पे पानी की कमी है। अगर वहां पे पानी अच्छे से प्रोवाइड हो जाए ना, तो वो जो एरिया है वो एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उस सोयल में सिर्फ एक ही कमी है कि वहां पे पानी नहीं है। जिस दिन वहां पे पानी की जो फैसिलिटी है वो सारी कंप्लीट हो जाती है, तो वहां पे भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होगी, ठीक है।
और ये जो आज हमें नदियों के जो तल मिले हैं वहां पे जो सूखे हुए हैं वो ये शो करती है कि पहले वो एरिया फर्टाइल था, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर अब करंट की बात करें ना वहां पे, तो जो लूनी नदी है ना, लूनी ही एकमात्र बहने वाली नदी है जो के क्या करती है, अरेबियन सी में गिरती है रन ऑफ कच्छ से होते हुए, ठीक है। जो आपका रन ऑफ कच्छ है, मतलब कि ये देखो ये आपका यहाँ से, ये आपका गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, इस रन ऑफ कच्छ से होते हुए आपका ये किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और इसका इसका जो पानी है ना वो ऊपरी भाग में तो मीठा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आती है तो इसका जो पानी वो खारा हो जाता है। खारा एक रीजन ये भी है कि ये समुद्र वाले पार्ट से लगता है तो इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। और लूनी जो नदी है, लूनी नदी के उत्तर में क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज का। इनलैंड मतलब अंतर्देशीय जल का। अब बोलते हैं कि एट प्रेजेंट, अभी हाल में, वर्तमान में जो राजस्थान के मैदान का जो अधिकांश भाग है वो अनुदैर्ध्य है, क्या है, लोंगिट्यूडनल और जो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। अच्छा, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, वो आपके रेत के टिब्बे नहीं होते, बालू के टिब्बे जिनको बारखान भी बोलते हैं, उससे बने हुए हैं। और बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पलाया लेक है। पलाया मतलब कि आपकी वहां पे लेक, जो लेक होती है ना राजस्थान आपके डेजर्ट में, उसको बोला जाता है लेक। पलाया को क्या बोला जाता है, पलाया आपका लेक होती है, ठीक है। ये एक आपके डिपोजिशनल इरोजनल फीचर का नेम है, ये आप जियोमोर्फोलॉजी में पढ़ोगे। और जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, ये राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला पार्ट साउथ वेस्टर्न पार्ट, नीचे वाला और ये वेस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, फर्टाइल प्लेन है, यानी कि यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी के जो है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्यों मिलती है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि आपके यहाँ पर आपकी माही नदी बहती है, और नदी अपने साथ क्या लेके आती है, फर्टाइल लैंड लेके आती है, इसलिए यहाँ पे आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे क्या है, सूखी है, ठीक है, सूखे तल शामिल है जिन्हें घग्गर मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन। अब आपको ये बताया गया है कि सबसे पहले पंजाब हरियाणा प्लेन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है, 650 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व ये 300 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। पंजाब हरियाणा जो मैदान है ये एक उग्र मैदान है, जो किससे बना हुआ है, आपकी सतलुज ब्यास रावी नदी इनके द्वारा जमा करके ये मैदान बनाया हुआ है। सुनते हो ना, पंजाब हरियाणा में बहुत फर्टाइल लैंड है, वो लैंड क्यों बनाए गए, इन नदियों की वजह से। और मैदानों की ऊंचाई उत्तर में जम्मू और कठुआ के पास 300 मीटर से लेकर जो दक्षिण पूर्व में 200 मीटर, यानी कि उत्तर में ऊंचाई ज्यादा है, जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं तो ऊंचाई कम हो जाती है। और पूर्व में इसके क्या है, दिल्ली रिज है, ठीक है। और अब एक बात याद रखना, यहाँ पे पंजाब हरियाणा प्लेन को गंगा के प्लेन से कौन अलग करता है, आप पंजाब प्लेन को, पंजाब हरियाणा प्लेन को गंगा के प्लेन से दिल्ली रिज, दिल्ली एक कटक है, एक बीच में क्या है, दोआब का काम करती है। दोआब क्या होता है, जो दो एरिया को अलग करता है, तो वो आपकी दिल्ली रिज आपकी पंजाब प्लेन और गंगा के प्लेन को अलग कर देती है, ठीक है। और इसकी जो पंजाब प्लेन है, इसकी जनरल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से, ये देखो आपको ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से क्या है, साउथ वेस्ट है इस तरफ, इसलिए मोस्टली नदियां यहाँ की बे ऑफ बंगाल में पानी गिराती है। मेन जो लैंड फॉर्म है यहाँ का वो क्या है, चट्टाने हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, स्थानीय लोकल लैंग्वेज में जिनको ढाया कहा जाता है, जो 3 मीटर या उससे अधिक ऊंची है, और खादर बेल्ट। अब याद रखना, पंजाब हरियाणा प्लेन में
खादर बेल्ट को किसके नाम से जाना जाता है? बेट के नाम से, धाया और बेट। ठीक है, ये आपका धाया, ऊंचे उठे हुए जो होते हैं, और खादर को क्या बोला जाता है? बेट। ठीक है, कहते हैं कि जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण की लहरदार स्थलाकृति स्थानीय रूप से चोस कहलाने वाली मौसमी धाराओं के कारण होने वाले कटाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। अनड्यूलेटिंग मतलब क्या होता है बेटे? उबड़ खाबड़ जो टोपोग्राफी होती है ना शिवालिक की, वो अफेक्ट होती है इरोजन से। और इरोजन किसकी वजह से होता है? आपकी जो ऋतु, मतलब कि जब बरसात होती है सिर्फ तभी वो नदी आती है, सीजनल जो रिवर होती है उनको चोस बोला जाता है। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट हरियाणा का, जैसे आपका हिसार है, वो कैसा है? हरियाणा का जो हिसार एरिया है वो सैंडी, यानी कि वहां पे रेत मिलती है, वहां पे आपके बालू के टिब्बे मिलते हैं। वही सतलुज, ब्यास और रावी है, वो कैसी नदी है? पेरिनियल रिवर, यानी कि जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा जिनमें 12 मासी पानी रहता है। और सतलुज और यमुना के बीच में जो घग्गर है, जिसका एंशियंट नेम सरस्वती है, वो एक रितु नदी है, रितु मौसमी धारा है। ठीक है, जो अंबाला कैंट से होकर गुजरती है, और इसका जो मार्ग है ना वो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, और इसमें केवल बरसात के मौसम में ही पानी आता है। ठीक है, आपका सतलुज और यमुना के बीच में एक घग्गर नदी है, जिसको एंशियंट में सरस्वती के नाम से जाना जाता था। जो पंजाब हरियाणा प्लेन है ना, आप देखो आपके ये दोआब है, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। ठीक है, अब ये कैसे है? देखो, ये आपकी सबसे पहली है इंडस नदी, सिंधु नदी। इंडस के बाद आपकी कौन सी है? झेलम। झेलम के बाद कौन सी नदी है? झेलम के बाद आपकी है चेनाब। चेनाब के बाद आपकी रावी। रावी के बाद आपकी ब्यास। ब्यास के बाद आपकी सतलुज। ठीक है, इंडस और झेलम को अलग के बीच में ये जो उठा हुआ भाग है, जो इंडस और झेलम नदी को अलग करता है, उसको बोला जाता है सिंध सागर दोआब। दोआब क्या होता है? जो दो नदियों को, दो पानी की धाराओं को अलग करता है। तो और ये पूछा गया पेपर में, मैच द फॉलोइंग में आया आपका। इंडस और झेलम के बीच में है सिंध सागर, झेलम और चेनाब के बीच में है जेच दोआब, उसके बाद चेनाब और रावी के बाद बीच में है रेचना, फिर आपका रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब, और आपका ब्यास और सतलुज के बीच में है बिष्ट दोआब। इसका सीरियल भी पूछा गया है। सबसे पहले आपकी है सिंधु नदी, फिर आपकी झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलुज। ब्यास ही सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ मतलब कि सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ इंडिया में बहती है, इंडिया में बहती है, इंडिया से शुरू होकर इंडिया में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका गंगा प्लेन है। ये गंगा प्लेन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और ये जो PDF है वो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास को लेके तो वो बता सकता है। रुचि, कृष्णा, आप लोगों को कोई डाउट है? यहाँ तक जो आपका है वो कंप्लीट हो गया है। बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है बेटे?
ओके ठीक है बेटे, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। और जो आपको फीडबैक है, सबको पता है फीडबैक आपको डिपॉजिट करना होता है, डिपॉजिट नहीं सबमिट करना होता है। थैंक यू सो मच।